वर्कशीट टू देखेंगे, जिसके अंदर क्या है, तो एनिमल्स एंड देयर फूड, मतलब उसमें एनिमल्स की बात की है और उनके खाने की बात की है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, मैच द टाइप। तो सबसे पहले ये तीनों मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो हर्बीवर्स का मतलब क्या होता है, मतलब शाकाहारी, जो सिर्फ शाकाहारी मतलब वेजिटेबल्स ग्रास वो सब खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको हर्बीवर्स बोलते हैं। फिर क्या है ओमनीवर, ओमनीवर का क्या मतलब होता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, मतलब वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवर। फिर कार्निवर, कार्निवर का मतलब क्या, मांसाहारी, जो अकेले मांस पे ही टिके होते हैं। तो इस हिसाब से हमको सामने इसको ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था हर्बीवर का मतलब होता है शाकाहारी, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो हर्बीवर में आती है, तो क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला ग्राउंडनट आएगा, दूसरा क्या आएगा, तो ये ग्रास जो हर्बीवर होती है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। फिर ओमनीवर का मतलब क्या बताया था, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, मांसाहारी, तो पहले आएगा एक, फिर क्या आएगा हमारा ग्राउंड नट, फिर क्या आएगा फ्लैश, मतलब वो मांस होता है, फ्लैश मतलब एनिमल्स जानवर के जो भी मांस होते हैं उसको फ्लैश बोलते हैं। फिर है कार्निवोर, कार्निवोर का मतलब मांसाहारी, तो यहाँ पे जितने भी मांसाहारी प्रोडक्ट्स है उसमें हमें ज्वाइंट करना है, तो क्या आएगा फ्लैश कार्निवोर। फिर दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, मतलब ऐसे जानवर जो उसके अलावा उसे दूसरे जानवर को खाते हैं, तो एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर मतलब मांसाहारी। फिर क्या है एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे ही खाते हैं और पेड़ पौधों में से निकलने वाली चीजें ही खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हर्बीवर। हर्बीवर मतलब क्या, शाकाहारी। फिर थर्ड क्या है एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो दोनों चीजें खाते हैं शाकाहारी और मांसाहारी, मतलब जानवरों को भी खाएंगे और पेड़ पौधों को भी खाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवर। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने वर्ड में ही नहीं लिखे, वो मैं आपको बोल ही समझा दूंगी। जैसे कि अब तो कितने हैं, फिल द ब्लैंक, तो क्या है, सबसे पहले स्पाइडर इट्स इंसेक्ट्स टू इट इज ब्लैक, स्पाइडर मतलब क्या होता है जो दीवारों पर जाले करता है ना, उसको क्या बोलते हैं स्पाइडर, स्पाइडर इंसेक्ट्स खाता है, मतलब छोटे छोटे उसके जो कीटाणु होते हैं ना वो खाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोर मांसाहारी। बटरफ्लाई इज अ ब्लैंक, तो बटरफ्लाई कभी भी और वो कार्निवोर नहीं होती, वो कुछ भी ऐसा ऐसा खाती नहीं है, वो क्या है, वो हर्बीवर है, वो शाकाहारी होती है। ब्लैंक इज अ मीट ईटर, मांस खाने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो कार्निवोर बोलेंगे मतलब मांसाहारी। एन आंट इज एन ब्लैंक, आंट क्या खाएगी खाने में, तो वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो क्या आएगा उसमें, ओमनीवोर। एन ब्लैंक ईट प्लांट्स प्रोडक्ट एज वेल एज मीट ऑफ अदर एनिमल्स, प्लांट प्रोडक्ट और मीट मीट प्रोडक्ट दोनों खाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ओमनीवोर। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, हर्बीवर एंड कार्निवर, ओमनीवर एंड हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनीवर, ये तीनों का हमें डिफरेंस लिखना है। मैंने यहाँ पे बताया कि तीनों का डिफरेंस क्या होता है, हर्बीवर का मतलब क्या होता है, जो शाकाहारी है तो शाकाहारी चीजें खाने वाले के नाम आएंगे, फिर कार्निवर का मतलब क्या होता है, मांसाहारी होते हैं तो उनके नाम लिखने हैं, तो ये तीनों आपको आपको खुद से ही करने हैं। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, यहाँ पे मुझको लिस्ट दिया है उसमें से आपको क्या ढूंढना है, तो ओमनीवर मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट एंड मीट प्रोडक्ट दोनों लेते हैं वो, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैन है, काउ,
डॉग, कैट, शीप, वूल एंड अन। तो ये ऑप्शन है, उसमें से हमें ढूंढना है कि इनमें से ओनली वन कौन सा है, मतलब प्लांट प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट दोनों खाने वाले हैं। तो सबसे पहला मैन, यस मैन खाता है मांस और वेजिटेबल दोनों। फिर काउ, नो काउ क्या है, हर्बीवर है। फिर फ्रॉग, फ्रॉग भी क्या है, कार्निवर की हर्बीवर कार्निवर। फिर डॉग, यस डॉग ओमनीवर है। उसके बाद कैट, कैट भी ओमनीवर। फिर शीप, शीप क्या है, हर्बीवर है। उसके बाद वुल्फ, वुल्फ में क्या आएगा, वो कार्निवर। आंट, अभी हमने आगे ब्लैक सॉल की उसमें हमने देखा कि आंट क्या होती है, ओमनीवर होती है। तो यहाँ पे फिर विच टाइप ऑफ सीड्स गिव मोर एनर्जी, स्प्राउटेड और नॉर्मल सीड। स्प्राउटेड मतलब क्या, कि हम जब उसको भिगो के उसको रखते हैं और बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद में देखा होगा कि उसको पीछे से एक पूंछ जैसा निकलता है, मतलब वो भीग चुके हैं बराबर से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्राउटेड। और नॉर्मल मतलब क्या, जो बिना कुछ किए है बाजार से भी हम तैयार लाके उसको रखते हैं उसको नॉर्मल बोलेंगे। तो हम नॉर्मल और स्प्राउटेड से दोनों में से क्या खाएंगे जो हमें उसमें से एनर्जी मिलेगी, तो ऑब्वियसली हम स्प्राउटेड खाएंगे। स्प्राउटेड सीड भी खाएंगे, सीड भी खाएंगे, उसमें से ही हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे कि ग्राम है, ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल, उसको क्या करेंगे, उसको भिगाएंगे पानी में, उसको 2-3 दिन तक रखेंगे, तो क्या होगा उसमें से वो स्प्राउट हो जाएंगे, मतलब अंकुरित हो जाएंगे, उसके पीछे से क्या होगा एक छोटी सी टेल जैसा निकलेगा। तो उसको तो हम नॉर्मल खा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें, स्प्राउट। तो स्प्राउटेड सीड भी बहुत ही एनर्जी वाले होते हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको स्प्राउटेड सीड खाने चाहिए। तो क्या